राजस्थान में एससी एसटी की स्थिति केवल वोट लेने के लिए एससी एसटी है उनके पास, इसके अलावा केवल छलावा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी आला कमान नहीं सुने तो इस्तीफा दे देंगे, जैसे रमेश है। बहुत अच्छा समय जल्दी आए। आज मैं भी कई जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ ज्वाइंट कार्यक्रम किए हैं, लेकिन क्या हम पार्टी बदल लेंगे? देखिए, राजस्थान में एससी एसटी की स्थिति केवल वोट लेने के लिए एससी एसटी है उनके पास, इसके अलावा केवल छलावा है। और मैं तो सोचती हूँ कि इस तरह की स्थिति यदि प्रदेश में, हालांकि मैं तो ये मानती हूँ कि नेता चुनने के बाद समाज और राष्ट्र के उत्थान में, समाज के विकास में और अंत्योदय की भावना लेकर काम करने वाले लोगों का हम वेलकम करते हैं। यदि वो वहाँ दुखी हैं तो आ जाएं हमारे साथ। मैं दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी आला कमान नहीं सुने तो इस्तीफा दे देंगे, जैसे रमेश सिंगला है। बहुत अच्छा समय जल्दी आए। बहुत अच्छी है, और अभी मेरे वैक्सीन हुई पता भी नहीं चला मुझे तो। और दूसरी बात है कि अभी आधा घंटा होने जा रहा है, हम भी एकदम कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब इस वैक्सीन पर विश्वास करना, और यही प्रेरणा देने के लिए आज मैंने यहाँ वैक्सीन एक्टिव हुई है। जन्मदिन से जब हमने सबसे प्रदर्शन किया है, क्या राजस्थान में क्या फर्क पड़ा? देखो, अपना अपना है, मैं भी तो एक्टिव हूँ। आज मैं यहाँ वैक्सीन लगा के एक्टिव ही तो हुई हूँ, वो भी अपने जन्मदिन को मनाकर एक्टिव हुई है। पार्टी एक है, एक रहेगी, एक ही चलेंगे। उनका एक बयान भी सामने आया था कि भाई अगर कांग्रेस के पास जिन पायलट है तो उनके पास में नहीं आएगा। ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनकी अपनी मर्जी है। आज मैं भी कई जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ ज्वाइंट कार्यक्रम किए हैं, लेकिन क्या हम पार्टी बदल लेंगे? बिल्कुल नहीं।